प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान में वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम राजस्थान के वनों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति का सबसे महत्वपूर्ण भाग वन है। अब प्रश्न यह है, वन कहते किसे हैं? प्राकृतिक वनस्पति की वह इकाई जो आकृतिक व गठन आदि विशेषताओं के कारण एक विलग इकाई के रूप में दिखाई देती हो वह वन कहलाती है। वनों में वृक्षों, झाड़ियों, छोटे पेड़ पौधों, घास आदि की सघनता होती है। वनों में जैव विविधता होती है, जिससे एक पादप दूसरे पादप पर तथा एक जंतु दूसरे जंतु पर अपने भोजन व ऊर्जा के लिए निर्भर रहता है। विभिन्न पादप व जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहकर खाद्य श्रृंखला बना लेते हैं और स्वयं पोषी तंत्र का निर्माण कर लेते हैं। वनों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। पहला वर्गीकरण विधिक वर्गीकरण है और दूसरा वर्गीकरण पादपों की प्रजातीय विशेषताओं के आधार पर भौगोलिक वर्गीकरण कहलाता है। आइए अब वनों के विधिक वर्गीकरण के बारे में विस्तार से चर्चा करें। राज्य के वन विभाग ने वनों को तीन मुख्य वर्गों में विभाजित किया हुआ है। पहला वर्ग है आरक्षित वन, जिसे रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इन वनों में लकड़ी काटने और पशुचारण पर पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। राज्य के ऐसे वन 12,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो कुल वन भूमि के अंतर्गत क्षेत्र का लगभग 37.42% है। यदि इनका क्षेत्रीय वितरण को देखें तो हमें ज्ञात होता है कि अरावली पर्वतों के दक्षिणी भागों में, विशेषकर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सिरोही और पाली जिलों में इनका विस्तार अधिक है। उत्तरी भाग में आरक्षित वनों के अंतर्गत भूमि मुख्यतः जयपुर, अलवर और सवाईमाधोपुर के पर्वतीय भागों में है, किंतु राज्य में कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर नाम मात्र की अर्थात एक वर्ग किलोमीटर भूमि भी आरक्षित वन के अंतर्गत नहीं है। ये हैं बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बारा और बांसवाड़ा। दूसरी श्रेणी है सुरक्षित वन, अर्थात प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इन वनों से सूखी लकड़ी काटने की अनुमति कभी कभी दी जाती है। बरसात के मौसम के बाद पशुचारण करने और घास काटने की भी अनुमति दी जाती है। ऐसे वन राज्य के 18,495 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो कुल वन क्षेत्र का लगभग 56.31% है। ऐसे सर्वाधिक वन 12 जिले में हैं, जहां पर 2,233 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रक्षित वन हैं। इसके बाद करौली का स्थान है, जहां पर 1,693 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये वन हैं। सबसे कम वन चूरू जिले में है, जहां पर 48.58 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही रक्षित वन हैं। तीसरी श्रेणी के वन है अवर्गीकृत वन, एक अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इनमें कटीली झाड़ियां, बरसाती घास के मैदान, दूर दूर छितरे हुए छोटे छोटे पेड़ आदि पाए जाते हैं। ये वन मुख्यतः असुरक्षित हैं, जिनमें साल भर पशुचारण होता रहता है और सूखी लकड़ियाँ भी काटी जाती हैं। ऐसे वन राज्य के उत्तरी और पश्चिमी भाग में अधिक हैं, जहां सघन वनों का नितांत अभाव है। राज्य में ऐसे वन 2,098 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हैं, जो कि कुल वन क्षेत्र का लगभग 6.17% है। झुंझुनू जिले में अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत भूमि नहीं है। सर्वाधिक भूमि बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर जिलों में है, जहां पर लगभग 300 किलोमीटर से अधिक ऐसे भूमि अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत है।
भारत के वनों का सर्वमान्य वर्गीकरण चैंपियन और सेठ ने 1968 में प्रस्तुत किया। इन्होंने देश के वनों को 17 मुख्य समूहों में बांटा है। राज्य के दो मुख्य समूह के वन पाए जाते हैं। मुख्य समूह है सेकंड शुष्क उष्णकटिबंधीय वन, इसे दो उप समूह में बांटा गया है। समूह नंबर 5 शुष्क पर्णपाती वन, समूह नंबर 6 कांटेदार वन। दूसरा मुख्य समूह तीसरी कैटेगरी का है, जिसमें मोंटाना उपोष्ण वन पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत समूह 8 में उपोष्ण चौड़ी पत्ती वाले पहाड़ी वनों को रखा गया है। इनकी स्थिति जलवायविक व मृदीय चरमावस्था, वनों का अवनयन स्तर तथा द्वितीय क्रमक इत्यादि के आधार पर इन्हें उप समूहों में विभाजित किया गया है। राज्य में कुल 25 प्रकार के वन पाए जाते हैं। इनमें से शुष्क पर्णपाती वन 16, कांटेदार वन 8 और माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वन मुख्य हैं। वनों की सघनता का मापन वृक्षों की शिखर सघनता क्राउन डेंसिटी के आधार पर किया जाता है। सामान्यतः 40% शिखर सघनता वाले वृक्षों को वन क्षेत्र में माना जाता है। इससे अधिक सघनता वाले वनस्पतिक क्षेत्रों को सघन वन कहते हैं। जिन वनस्पतिक क्षेत्रों में शिखर सघनता 20-40% होती है, उन्हें खुले वन की श्रेणी में रखा जाता है। इनमें वृक्ष भी दूर दूर होते हैं। झाड़ियों की अधिकता वाले वनस्पति प्रदेश को स्टेपी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राज्य की वनों को भौगोलिक आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला शुष्क उष्णकटिबंधीय धोक वन, ये वन कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, बारा, अजमेर, जयपुर, पाली, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली आदि जिलों की 19,027.75 वर्ग किलोमीटर भूमि पर विस्तृत हैं। धोक वन राज्य के सर्वाधिक 58.19% क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये वन निचली ढालों पर और पठारी भूमि पर मुख्यतः समुद्र तल से 240 से 760 मीटर ऊंचाई पर मिलते हैं। यहाँ औसत वार्षिक तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहते हैं। सर्दियों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाते हैं। वर्षा का वार्षिक औसत 60 से 75 सेंटीमीटर के बीच रहता है। कभी कभी शीतकालीन वर्षा भी होती है, जिसका औसत 2 से 5 सेंटीमीटर के बीच रहता है। भौगोलिक परिस्थितियों में इन वनों का उत्तम विकास हुआ है। इन वनों का मुख्य वृक्ष धोक है, जिसकी लकड़ी को जलाकर कोयला बनाया जाता है। यह लकड़ी दरवाजे, खिड़कियां आदि बनाने के काम ली जाती हैं। धोक के साथ साथ रौंज, खैर, किरनी, कुमठा आदि के वृक्ष भी मिलते हैं। ऊपरी ढालों पर सालर, गुर्जर और कड़ाया प्रजातियों के वृक्ष मध्यम ऊंचाई वाले भागों में गागन, आंधीजाड़ा, हिंगोट, डांस, फिरगन आदि के वृक्ष और निम्न ऊंचाई वाले भागों में जड़बेरियों की झाड़ियाँ, भांगटा, शीन, अरस्टिडा की घास पाई जाती है। इन वन क्षेत्रों में जनसंख्या और पशुधन अधिक है, इसलिए अधिकांश वन बहुत हीन दशा में हैं। दूसरे प्रकार के वन हैं शुष्क पर्णपाती पतझड़ी वन। पर्णपाती वनों में सर्दियां आरंभ होने से पहले वृक्षों की पत्तियां गिर जाती हैं और वृक्षों की क्रियाएं शीतल पड़ जाती हैं। शीतकाल में कम तापमानों के दुष्प्रभावों से बचने के लिए ये वृक्ष अपने पत्ते गिराकर जैविक क्रियाओं को शीतल कर देते हैं। बसंत के आगमन पर, जो कि मार्च अप्रैल के महीने में होता है, नई पत्तियां फूटने लगती हैं और वर्षा ऋतु आरंभ होने पर फूल और फल आने लगते हैं। इन वनों में तेंदू, कालिया, सिरस, काला शीशम,
अमलतास, गुर्जन, आंवला, रोहन, खैर, चुड़ैल, चिरौंजी आदि के वृक्ष मिलते हैं। नदी नालों के पास रोहनी, गुलर, बहेड़ा, महुआ, आम, अर्जुन और करंज के वृक्ष भी पाए जाते हैं। नमी वाले क्षेत्रों में बांस भी उगता है। इन वनों में पाई जाने वाली मुख्य घास शीन, भांगटा, खेड़, सुखाला आदि हैं। ये वन राज्य के लगभग 8,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। पतझड़ी वनों में सालर मुख्य वृक्ष है। अरावली पर्वतों के ऊपरी भागों में मुख्यतः अलवर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर जिले में सालर वृक्ष बहुतायत से मिलते हैं। सालर वनों का विस्तार 2,560 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इन वनों में सालर के साथ साथ गुर्जर, आंवला, धावड़ा और कड़ाया के वृक्ष भी मिलते हैं। इन वनों में बांस भी मिलता है। बांस की लकड़ी पर आधारित अनेक कुटीर उद्योग भी चलाए जाते हैं। शुष्क पर्णवादी वनों में एक अन्य महत्वपूर्ण वृक्ष खैर है। खैर की छाल से कत्था बनाया जाता है। राज्य के 1120 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खैर के वन पाए जाते हैं। खैर के साथ धोक, बेल, रौंज, कलौसी, गठबोर आदि के वृक्ष और झाड़ियां भी पाई जाती हैं। खैर के वनों का मुख्य विस्तार कोटा, झालावाड़, बारा, चित्तौड़गढ़, अलवर और सवाई माधोपुर जिलों में है। तीसरे प्रकार के वन हैं शुष्क सागवान वन। ये वन राज्य के लगभग 2200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, उदयपुर और बारा जिलों के वन पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन भारत के सागवान वनों की उत्तरी सीमा बनाते हैं। इनकी उत्पत्ति पठारी और पहाड़ी भूमि पर होती है, जहां वार्षिक वर्षा का औसत लगभग 90 से 110 सेंटीमीटर के बीच रहता है और औसत वार्षिक तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से कम रहते हैं। सर्दियों में तापमानों में अधिक गिरावट नहीं आती और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होते। इन वनों में मुख्यतः सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। सागवान के साथ तेंदू, गुर्जर, सालर और सादड़ के वृक्ष भी मिलते हैं। कहीं कहीं रोहन, धोवन, आंवला, कड़ाया, मेंदगी, महुआ, ढाक और बेल के वृक्ष भी मिलते हैं। अधिक आर्द्र भागों में बांस, काकोन, मोड़फली, दूधी, लालद्वरी के पेड़ भी मिलते हैं। इन वनों के पठारी बाग और पर्वतीय ढाल पर घास के प्राकृतिक चारागाह हैं। अधिक पशुचारण के लिए ये अब कम होते जा रहे हैं। चौथे प्रकार के वन हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। इन वनों में सभी वृक्षों की पत्तियां और तनों पर कांटे होते हैं और वृक्षों की छाल बहुत कठोर व मोटी होती है, जिसके कारण इन वृक्षों और झाड़ियों से वाष्पीकरण कम होता है। ऐसे वन राज्य के मरुस्थली और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलते हैं। मरुस्थली क्षेत्रों में पाए जाने वाले के कारण इस प्रकार के वनों को मरुद्भिद वनस्पति भी कहते हैं। कांटेदार वनों का वितरण मुख्यतः गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर जिलों में है। ये वन राज्य के लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन सभी जिलों में वार्षिक वर्षा का औसत 15 से 35 सेंटीमीटर के बीच रहता है और गर्मियों में औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। दैनिक तापांतर साल भर अधिक रहते हैं। गर्मियों में दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक और रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक हो जाते हैं। सर्दियों में रात्रि के तापमान में भारी गिरावट आती है और यह कभी कभी शून्य से कम भी हो जाते हैं। ऐसी विषम जलवायु में कांटेदार वनस्पति ही उग पाती है।
मरुस्थलीय क्षेत्रों में रेतीले क्षेत्र में मुख्यतः खेजड़ी, खैर, हिंगोट, कुमटा, बबूल, रोहिड़ा, बिलाती बबूर आदि के वृक्ष मिलते हैं। झाड़ियों में मुख्यतः फोक, जड़बेरी, कैर, आकड़ा, जंगल जलेबी, थोर और झिंगरी के झाड़ियाँ मिलती हैं। वर्षा काल में घास की उत्पत्ति होती है। यहाँ मुख्यतः डाब, धामन, अंजन, काली धामन, भरूट, सेवन, गिरमानिया प्रजाति की घास उगती है। कांटेदार वनस्पति का मुख्य वृक्ष खेजड़ी का महत्व अत्यधिक है। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। वृक्ष की जड़ों में नाइट्रोजन संग्रहित करने वाले जीवाणु होते हैं जो भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। इसकी छाया में घास की उत्पत्ति अधिक होती है जो पशु चारे के काम आती है। खेजड़ी की पत्तियों में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है। सर्दियों में इन पत्तियों को सुखाकर इकट्ठा कर लिया जाता है। इसे लूंग कहते हैं। पशुओं के लिए लूंग पौष्टिक आहार है। खेजड़ी की लकड़ी इमारती लकड़ी है। इस पेड़ की लकड़ी को ईंधन के रूप में भी काम लिया जाता है। इस क्षेत्र में उगने वाला रोहिड़े का वृक्ष का पुष्प राज्य पुष्प है, जिसका रंग हल्के नारंगी रंग का होता है। पांच प्रकार के वन है उपोष्ण सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये वन साल भर हरे भरे रहते हैं। यह उपोष्ण कटिबंध में स्थित होने के कारण उपोष्ण सदाबहार वन कहलाते हैं। इन वनों में वृक्षों की मिश्रित प्रजातियां मिलती हैं, इसलिए साल भर किसी न किसी ऋतु में वृक्षों पर नए पत्ते, फूल, फल आदि खिलते रहते हैं और यह वन सदैव हरे भरे बने रहते हैं। इस प्रकार के वन राज्य के माउंट आबू में मिलते हैं, जिसका विस्तार 1150 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है। ये वन यहाँ लगभग 125 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, जामुन, बांस, रोहिणी, करौंदा, काकोन, गंधप्लास आदि के वृक्ष मिलते हैं। बिच्छी बूटी, खजूर आदि के वृक्ष भी कहीं कहीं मिलते हैं। ये वृक्ष 90 से 110 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ही उगते हैं। शीतकाल में तापमान में अत्यधिक गिरावट होती है और तापमान 0 से कम हो जाता है। वनों की वृद्धि और वितरण। राज्य के 32,845.30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9.59% है। भारत सरकार का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 2 वर्ष के अंतराल में देश में वनों की वास्तविक स्थिति पर आकलन करके भारतीय वानिकी अनुसंधान देहरादून से उपग्रह संवेदी तकनीक से सर्वेक्षण करवाता है और स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान राज्य में सघन वन केवल 77.81 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। मध्यम सघन वन 4,341.90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में और खुले वन 12,209.51 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। यह क्षेत्र राज्य के कुल क्षेत्रफल का मात्र 4.86% है। अतः स्पष्ट है कि वनों के लिए आरक्षित भूमि और वास्तविक वनावरण में काफ़ी अंतराल है। राज्य में सघनतम वन अलवर जिले में पाए जाते हैं, जहां पर 59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सघन वन है। इसके बाद जयपुर का स्थान है, जहां पर 12 किलोमीटर क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं। मध्यम सघन वन मुख्यतः उदयपुर, जहां पर 1214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। प्रतापगढ़ 563 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मध्यम सघन वन है। उसके बाद अलवर का स्थान है, जहां पर 335 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, बाद में सिरोही, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, बारा और पाली का स्थान है।
इन जिलों में 300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में मध्यम सघन वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक खुले वन उदयपुर ज़िले में पाए जाते हैं, जहां पर ऐसे वन 1695 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। वनों के लिए उदयपुर ज़िले की लगभग 35% से अधिक भूमि आरक्षित है। इनमें 13.41% क्षेत्र में वनावरण रहित है। चूरू जिले में 0.42% भूमि वनों के लिए आरक्षित है, जो राज्य में सबसे कम है। राज्य में लगभग 3/4 सघन वन पर्वतपदीय और अंतर पठारी क्षेत्र तथा मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ की ऊंचाई 500 मीटर से कम है। लगभग 1/4 वनावरण 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। केवल 176 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनावरण 1000 मीटर से अधिक ऊंची पहाड़ियों पर है। राज्य में चंदन के वृक्ष भी पाए जाते हैं। चंदन एक सदाबहार वृक्ष है, अंशतः परजीवी। यह वृक्ष निकटवर्ती पौधों की जड़ों से, विशेषकर करौंदे के झाड़ियों से भोजन और पानी का अवशोषण करता है। इसकी अंतःकाष्ठ में सुगंध होती है। ये वृक्ष मुख्यतः राज्य के उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और माउंट आबू के पर्वतपदीय भागों में पाए जाते हैं। इसकी एक समृद्ध पट्टी हल्दीघाटी, छोटी सादरी की भंवरमाता क्षेत्र में भी प्राकृतिक रूप से पुनर्जनित हुई है। राज्य में वनों की कमी के अनेक कारण हैं। इनमें मुख्य कारण जनसंख्या और पशु संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रहा है। इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक वनों पर मानवीय आवश्यकताओं का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के पूर्वी जिलों में अनुकूल जलवायु, उपजाऊ मिट्टी, परिवहन और संचार की प्रचुरता के कारण जनघनत्व बहुत अधिक है। इस कारण वन क्षेत्रों में कमी उत्पन्न हो गई है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में विषम जलवायु, अनुपजाऊ मिट्टी, रेतीली आंधियों के कारण प्राकृतिक वनस्पति की बहुत कमी है। पिछले 4 दशकों में मरुस्थलीय क्षेत्र में भी जनघनत्व असामान्य रूप से बढ़ा है, इसलिए वहाँ भी वनस्पति के आवरण पर संकट उत्पन्न होने की संभावना है। यद्यपि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सघन पौधारोपण के कारण वहाँ के वन क्षेत्र में लगातार वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। वन उत्पादों की मांग और आपूर्ति में भारी अंतर का मुख्य कारण जनसंख्या और पशुधन में हो रही निरंतर वृद्धि है। इनमें ईंधन हेतु लकड़ी, पशुचारे की उपलब्धता, भवन निर्माण के लिए लकड़ी की आवश्यकता और आपूर्ति मुख्य हैं। राज्य सरकार ने वनों के विकास के लिए राज्य वन नीति बनाई है, जिसका मूल उद्देश्य मानव पारिस्थितिकी सुरक्षा के लिए स्थानीय जन भागीदारी से राज्य के प्राकृतिक वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास करना है। इसके अलावा इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, गौण वन उपज की उपलब्धता में वृद्धि करने बाबत हरित आवरण को बढ़ाया जाना आवश्यक माना है। इसके लिए सभी प्रकार के स्वामित्वदारी भूमियों पर सघन पौधारोपण करने का उद्देश्य रखा गया है। वनोत्पाद की मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए प्रबंधकीय उपायों व आधुनिक तकनीक का उपयोग करने का पर बल दिया गया है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में रक्षक मेखला, शेल्टर बेल्ट, खंड पौधारोपण, ब्लॉक प्लांटेशन, टिब्बा स्थिरीकरण और कृषि वानिकी द्वारा मरुस्थल प्रसार पर नियंत्रण और सभी प्रकार की भूमि पर अतिक्रमण की रोकथाम करने का उद्देश्य भी रखा गया है। लघु वन उपज का मूल्य संवर्धन और विपणन की उचित सुविधाओं को सुधार कर उस पर आश्रित समुदायों, विशेषकर आदिवासियों की प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, अखेट निषेध क्षेत्रों
में वृद्धि करने के साथ साथ वनस्पति और वन्य जीवों की आनुवांशिक विशेषताओं को संरक्षित बनाए रखने के लिए जीन पूल तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। जैव विविधता संरक्षण और प्रबंधन के लिए दुर्लभ और लुप्त प्राय वनस्पति और जीव जंतुओं का स्थानिक और बाह्य स्थानिक उपायों से संरक्षण करना भी एक उद्देश्य है। इसके अलावा वानिकी के सतत प्रबंधन के लिए साझा वन प्रबंध व्यवस्था के माध्यम से ग्राम समुदायों का सशक्तिकरण, वन उत्पादों की श्रेष्ठ उपयोग और उत्पादन को बढ़ाने के लिए शोध आधारित वानिकी, वानिकी प्रसार हेतु अनुषंगी सेवाओं की उपलब्धता, वानिकी विस्तार में मानव संसाधनों की आधारभूत भूमिका और वन विभाग की कार्यप्रणाली में जन सहभागिता को बढ़ाना और वन प्रबंधन का उत्तरदायित्व जन अनुकूल उपागमों को स्थानित करना, महिलाओं की सहभागिता बढ़ाना जैसे उद्देश्य रखे गए हैं। जो तो राज्य सरकार ने अनेक कार्यक्रम संचालित किए हुए हैं किंतु अभी भी जनसाधारण में वनों के संरक्षण के प्रति सजगता उत्पन्न करने की और आवश्यकता है। धन्यवाद।